हेलो गाइस, आई एम जी फ्रॉम माइंड पावर स्पोकन एकेडमी। टुडे आई शैल टीच यू एप्लीकेशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर 10th और 12th बच्चों के लिए। उनके लिए ही नहीं गाइस, यू मे बी अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो सकते हैं। यू मे हैव टू राइट एन एप्लीकेशन इन योर क्लासरूम, आपको एप्लीकेशन आपकी क्लास में लिखना पड़ सकता है। यू मे बी इन इंटरव्यू, आप एक इंटरव्यू में हो सकते हैं। यू मे हैव टू राइट एन एप्लीकेशन बिफोर द इंटरव्यूअर, आपको एप्लीकेशन इंटरव्यूअर के सामने लिखना पड़ सकता है। या यू मे हैव टू इन ऑडिटोरियम, आप यू मे बी अ ऑडिटोरियम, आप एक ऑडिटोरियम में हो सकते हैं। यू मे हैव टू राइट एन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, हजारों लोगों के सामने आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है। या यू मे बी इन एग्जामिनेशन हॉल, आप परीक्षा कक्ष में हो सकते हैं। यू मे हैव टू राइट एन एप्लीकेशन इन एग्जामिनेशन हॉल, आपको एग्जामिनेशन हॉल में एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है। सो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा कक्ष में कैसे एप्लीकेशन लिखे। गाइस, जो मैं स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन, यदि इनका आप प्रयोग करते हैं इन स्टेप्स का, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ नहीं तो आपका एप्लीकेशन का जो इम्प्रेशन है वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 100 में से 100 आप मार्क्स अचीव कर सकते हो जो मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कैसे लिखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रयोग करना है, यूसेस करना है। आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा कि राइट एन एप्लीकेशन द सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। एक एप्लीकेशन लिखिए आप, जो कि बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आपको बुक्स को बुक बैंक से लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप जमाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पेंच होगा। देखिए, इस तरीके का एक पेंच होगा। सबसे पहले हमको किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है ताकि हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सके, तो सबसे पहले आपको प्रयोग करना है टू का सबसे पहले प्रयोग करना है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा का प्रयोग आपको करना ही है। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉमा का प्रयोग करोगे जस्ट। इसके बाद आपको यूसेस करना है सेकेंड स्टेप में द प्रिंसिपल यूसेस करना कैसे है, तो द आपका जो टी है वो कैपिटल आना चाहिए और जो प्रिंसिपल का जो पी है वो भी कैपिटल आना चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। इसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, कोई सा भी स्कूल आप लिख सकते हैं, कोई सा भी आप स्कूल, जैसे कि हम बात करें कोई सा भी इंग्लिश पब्लिक स्कूल, या आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, और चाहे आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक, एज यू विश। ध्यान रखना, ये स्टेप जो है हमारी वो 3 स्टेप में आपको यूसेस करना है। इसके बाद आपको जो लिखना है वो कहाँ पर आपका स्कूल है, तो मान लीजिए जिस सिटी का आप नाम लिखना चाहते हैं उस सिटी का आप नाम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर लिखा है काला पीपल मंडी, क्योंकि मैं काला पीपल में रहता हूँ, तो हमने लिखा काला पीपल मंडी। मंडी आपको कोष्टक में लिखना है, क्योंकि काला पीपल जिस भी सिटी है उसमें आप यूसेस कर सकते हैं, जो भी नेम है आपकी सिटी का वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको लिखना है वो लिखना है MP, MP में जो M है वो आपका कैपिटल होना चाहिए और जो P है वो भी कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद आपको दोनों को जिस ब्रैकेट में बंद करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक लाइन का गैप देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन का गैप देना है, और गैप देने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट यूसेस करने के बाद आपको यूसेस करना है सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन, जो ए है पहले शुरू वाला एन जो हमने लिखा, देखिए यहाँ पर एन एप्लीकेशन, यहाँ पर ए जो है वो कैपिटल में आना चाहिए, एन एप्लीकेशन। ध्यान रहे फॉर बुक्स फ्रॉम, ध्यान रखना बुक्स फ्रॉम के बाद बुक बैंक, जो बी है वो आपका कैपिटल रहना चाहिए, जिस तरीके से इसमें लिखा है बुक बैंक। ध्यान रखना बी जो है वो कैपिटल होगा, और बैंक में जो बी है वो भी कैपिटल होना चाहिए जस्ट। इसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे, उसके बाद लिखेंगे आप रिस्पेक्टेड सर। ध्यान रखना रिस्पेक्टेड सर का जो आर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर के बाद आपको कोई
कोमा नहीं लगाना है, ना फुल स्टॉप का यूज करना है, कुछ नहीं करना है, रिस्पेक्टेड सर आपने लिख दिया। इसके बाद आपको इसके जस्ट नीचे से यूज करना है आई बेग टू सेड इट। ध्यान रखना क्या यूज करेंगे आप, आई बेग टू सेड इट के बाद आप कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा नहीं, इसके बाद जो आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है ना, ये आई जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, आई एम अ स्टूडेंट। इसके बाद आपको जो यूज़ करना है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ, ट्वेल्थ हो तो ट्वेल्थ और टेंथ हो तो टेंथ, इसके बाद यूज़ करना है आपको। टेंथ के बाद आपको यूज़ करना है ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल यूज़ करना है, और इसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप में कुछ भी नहीं आएगा, आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको यूज करना है माई फादर इज, ध्यान रहे माई फादर इज जो एम है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, माई में जो एम है वो कैपिटल रहेगा। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, तो आप यूज करेंगे माई फादर इज अ पुअर फार्मर। इसके बाद आपको फुल स्टॉप का यूज करना है, इसके बाद आपको लिखना है सो, ठीक है ना, सो ही इज अनेबल टू, ही जो है वो आपका कैसा आना चाहिए, एच कैपिटल में होना चाहिए ना कि स्मॉल में। ही इज अनेबल टू परचेस न्यू बुक्स, परचेस न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, वह अनेबल है, अयोग्य है बाजार से किताबें खरीदने के लिए। अब आप क्या लिखेंगे इसके आगे, इसके बाद अनेबल टू परचेस बुक्स या न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको यूज करना है एंड का, और एंड के बाद आई का जो यूज करना है वो स्मॉल में यूज करना है। देखिए आई शैल रिटर्न दिस बुक इन गुड कंडीशन, आई शैल रिटर्न दिस बुक, आई जो है वो आपका कैपिटल आना चाहिए, आई शैल रिटर्न दिस बुक इन गुड कंडीशन एट द एंड ऑफ द सीजन, ठीक है ना, एंड एट द लास्ट सीजन का भी यूज कर सकते हैं आप, लास्ट सीजन। इसके बाद आपको, इसके बाद आपको गैप देना है एक लाइन का, और इसके नीचे से आपको लिखना है काइंडली, काइंडली का जो के है वो आपका कैसा आना चाहिए, कैपिटल, काइंडली इजू मी द कोर्स बुक्स, ध्यान रखना कोर्स बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ध्यान रखना बुक बैंक में जो बी है वो कैपिटल आना चाहिए, और बैंक में जो बी है वो कैपिटल आना चाहिए। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है, और फिर आपको लिखना है यूअर ओबीडेंटली, यूअर ओबीडेंटली में आप सबसे पहले जो यू है वो कैपिटल में लिखेंगे वाई, ठीक है ना, ये कैपिटल यूअर ओबीडेंटली के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको नेम देना है, नेम आप वो देंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया है, यदि क्वेश्चन में नेम नहीं दिया है तो आपको अपने मन से या एक्स वाई जेड आपको लिखना है। इसके बाद आपको नेम के बाद आपको डालना है क्लास, किस क्लास में आप हैं उस क्लास का आप नाम दे लेंगे, टेंथ क्लास या ट्वेल्थ में हो तो आपको ट्वेल्थ डालना है, क्लास ट्वेल्थ, क्लास टेंथ, ठीक है ना। इसके बाद आपको यूज करना है डेट का, सबसे नीचे आपको लिख करके आना है डेट, डेट जो भी है जिस दिनांक में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिनांक की आपको डेट लिखना है, और ये डेट लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी एप्लीकेशन पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से एप्लीकेशन को आप जमाओगे, इस तरीके से लिखोगे, आप इसको लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, उतार भी सकते हो, मैं कह सकता हूँ 100% इस तरीके से यदि आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि आपने हर स्टेप को इस तरीके से लिखा है कि सामने वाले के मन और मस्तिष्क में वो बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को जितने भी ऐसे बोर्ड क्लास में है, टेंथ या ट्वेल्थ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर जरूर करें, और आप मुझे कमेंट्स में भी लिखें कि कौन सी स्टेप आपको सबसे अच्छी लगी, तो आप मुझे बताएंगे।